अतिथिगण हमारे लिए देवतुल्य हैं। जब गीता के विषय के ऊपर श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में एकत्र हुए हैं तो ये एक अत्यंत सुखद संयोग बनाता है। वो संयोग क्या है? जैसा भी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब स्वामी जी ने उद्बोधन दिया और धर्म क्षेत्र के मर्मज्ञ उपस्थित हो, तो मेरे विचार से जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें श्रवण करना चाहिए, वाचन नहीं करना चाहिए। वाचन करना अनाधिकार चेष्टा के समकक्ष है, परंतु आदेश हुआ है तो मैं उनके ही उद्बोधन में से कुछ सूत्र लेकर आपके समक्ष विचार व्यक्त करता हूं। जैसे उन्होंने कहा उनमें कि जो मनुष्य का जन्म है, गीता में कहा गया है, बहुत दुर्लभ है। हमारे यहां तीन चीजें बहुत दुर्लभ मानी गई है, त्रयः दुर्लभा प्राप्त होती, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम सज्जना नाम संगत। तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ है जो दैव कृपा से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म, फिर मनुष्य के जन्म में मोक्ष की इच्छा, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम यानी आध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति, और फिर तीसरी सज्जना नाम संगति यानी सज्जन और साधु लोगों की संगति। आज मैं कहना चाहूंगा कि संयोग से तीनों ही संयोग यहां विराजमान है, स्वामी जी भी है, कई श्री कृष्ण विराजमान है, तो और आप सब लोग कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक विचार से प्रेरित हैं, तो तीनों का ही संगम हमें यहां दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छा और उचित संयोग। अभी स्वामी जी ने इस विषय की तरफ रेखांकन किया कि जीवन के प्रबंधन में किस प्रकार की भूमिका गीता के द्वारा निभाई जा सकती है, तो मुझे स्मरण आता, चूंकि मैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि गीता क्या भूमिका राष्ट्र समाज के प्रबंधन में निभाती है। भारतीय संविधान के मूल प्रतिलिपि में जो कुछ एक चित्र अंकित है, उनमें एक चित्र भगवान कृष्ण का अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए भी चित्र। और संयोग की बात यह है कि वह संभवता उस पेज पर है जिस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं। मुझे लगता है कि यदि उपयुक्त जानकर प्रतीक नहीं, और एक और मैं कह सकता हूं क्योंकि वो गीता का उपदेश देते हुए चित्र है, तो वो एकमात्र बोलता हुआ चित्र है, क्योंकि बाकी सब लोग चित्र है और गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और यह प्रेरणा कहां से मिलती है? मैं तो स्मरण करना चाहता हूं कि आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में आए। स्वतंत्रता की शुरुआत हुई वो सबसे पहले 1905 में, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया था। उनको प्रेरणा कहां से मिली? लोकमान्य तिलक ने गीता का अध्ययन किया और उनकी प्रख्यात पुस्तक है गीता रहस्य। तो यानी स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष जो होता है पूर्ण स्वराज, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं गीता से आती है। दूसरे नंबर 1909 में महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने स्वराज की अवधारणा कैसी होगी, यानी भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरा उन्होंने एक विस्तृत विवरण दिया। और महात्मा गांधी लिखते थे, जब कभी मुझे जीवन में संशय होता था तो मैं जाकर गीता पढ़ता था और गीता के किसी न किसी भाग को पढ़कर मेरे मन में प्रेरणा आती थी। और आप सबसे तो याद होगा महात्मा गांधी ने तो कौसानी में जाके अनासक्ति योग के ऊपर पूरी पुस्तक लिखी है जो गीता से चली थी। इसलिए हमारे स्वतंत्रता और सामाजिक आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो कहीं ना कहीं गीता के कारण से होता था। इसलिए बहुत उपयुक्त था कि डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में गीता दिखाई पड़े। और जब अमृत काल आया है, अब याद करिए 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और वो अपनी विदेश यात्रा पे गए, पहली अमेरिका यात्रा, तो आप सबको ध्यान होगा उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को क्या भेंट किया था? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तो मैं कहना चाहता हूं कर्मों का फेर था,
या कर्मों का दंड था कि जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा था वो कहां खड़े थे और जिन्हें अच्छा लगा था वो कहां। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को मोदी जी ने गीता भेंट की तो यह और भी अधिक हो गया। आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है और उसकी शक्ति का उद्भव कहां से हुआ था? जिस दिन अमेरिका ने एटम बम का विस्फोट किया 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी एक्सप्लोजन, और उस परमाणु विस्फोट को करने वाला जो प्रमुख वैज्ञानिक था आर्किटेक्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस परमाणु विस्फोट के बाद लिखा था, इसे देखकर मुझे गीता का वह श्लोक याद आता है कि जब भगवान विष्णु अर्जुन से ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन ही मैं हूं परंतु सहस्रों सूर्यों के रूप में जब उठता हूं तो संहार ही मैं ही काल ही मैं ही। और आप सबको शायद पता हो भाई आजकल कहते ना साइंस में सबसे मजबूत है उन्होंने एटम बम बना लिया क्या? तो जिसने एटम बम बनाया वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए 1933 में संस्कृत सीखनी शुरू की। एटम बम तो 1945 में। तो मुझे लगता है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को गीता उत्पन्न की तो शायद उन्हें यह भी स्मरण करा रहा था कि आपकी ताकत जहां से उभरी थी उस ताकत का मूल स्रोत भी यहीं से निकलता था। और आज हम स्वतंत्रता के अमृत का है। अभी 15 अगस्त गुजरा है तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अगले 25 वर्ष का समय अमृत काल है जब भारत 75वें वर्ष से शताब्दी वर्ष तक की यात्रा करेगा। और यह अमृत काल इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश की जो युवा पीढ़ी है 25 वर्ष के बाद हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, यही पीढ़ी किसी न किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठकर देश का दिशा निर्देश कर रही होगी। तो यह अमृत काल मूलतः युवा शक्ति से प्रेरित है, परंतु इस युवा शक्ति को प्रेरणा कहां से मिलेगी? अमृत काल का अमृत तत्व कहां से निकलेगा? वो अमृत तत्व निकलेगा वो प्रसिद्ध श्लोक आप सबको पता होगा, सर्वोपनिषदो गावो दोपह गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता गीता दुग्धामृतम भारत। सभी उपनिषदें गाय हैं, भगवान कृष्ण उसको दोहने वाले ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़े हैं और गीता रूपी अमृत तुल्य दुग्ध जो उससे निकल रहा है वह गीता है। और हम जो भी सज्जन लोग उसका पान कर रहे हैं वह सब साधु और संतजन है। तो मुझे लगता है अमृत काल का अमृत तत्व तो गीता रूपी अमृत से ही निकलेगा। और इसमें एक और बात महत्वपूर्ण जानते हैं, इस श्लोक में वो संदेश है जो समाज मानवता और विश्व को भी एक संदेश देगा। क्या? वो कहते पार्थो वत्स सुधी भोक्ता, यानी अगर गाय से दूध निकालना है तो उसके लिए वत्स यानी बछड़े की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के उस सिद्धांत को मानते हैं कि गो माता के लिए जो दूध का निर्माण हुआ है वो सबसे पहले उसके बछड़े के लिए हुआ है। तो पहला अधिकार उस वत्स का है, पहला अधिकार उस बछड़े का है। वो माध्यम बनेगा तब बाकी को दूध मिलेगा। हम उनमें से नहीं है कि मशीन लगाई और दूध निकाल दिया। इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर बोए और धरती से निकाल दिया, जमीन में ट्यूबवेल लगाया, पानी खींच लिया और आज हालत क्या हो गई कि पूरे विश्व के सामने इकोलॉजिकल इंबैलेंस का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आज हम कहते हैं दुनिया की पिछली 100 साल सबसे शानदार थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति नहीं की। एक जमाने में वायरलेस का सिग्नल नहीं होता था, आज टेलीकॉम रेवोल्यूशन है, 5G और 6G का दौर की बात हो रही है, सैटेलाइट पूरी दुनिया में है, आज जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है, DNA आ गया है, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग आ गई है। परंतु आप सभी बातों को देखिए तो एक तरफ लगता है कि ये मनुष्य की अब तक की सबसे शानदार शताब्दी है, पर दूसरी तरफ आप देखें तो हम उस मुकाम पर जाकर पहुंचकर खड़े हो गए जहां लगता है कि अगर हमने नियंत्रण नहीं किया तो 100 या 50 साल के बाद पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। हमारे पास पीने को पानी साफ नहीं होगा, खाने को खाना नहीं होगा, सांस लेने को नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसका अर्थ क्यों है? इसलिए है अगर इस नजरिए से देखें
तो ये मनुष्य जाति की सबसे खतरनाक शताब्दी में से, क्योंकि पूरी की पूरी ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लग गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? हमने वत्स के भाव को नहीं समझा, हमने प्रकृति को माता नहीं समझा। हम जब गाय को माता, गीता को माता, गंगा को माता, धरती को माता, प्रकृति को माता मानते हैं, भारत को माता मानते हैं, तो हमारे मन में यह भाव बहुत स्पष्ट हो जाता है कि माता से पोषण दिया जाता है, शोषण नहीं किया जाता। और जब आप उस विचार में आते हैं कि अरिस्टॉटल की किताब है द नेचर, जो वेस्टर्न थियोलॉजी का बेस है, जो कहता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, हमें पूरा प्रकृति पर स्वामित्व चाहिए। और एक जगह पर मैन शुड बी एबल टू सब्ड्यू नेचर, यानी प्रकृति को हम दबा सके। और इसीलिए याद करिए, हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, जब पहला मनुष्य अंतरिक्ष में गया यूरी गैगरी 1961 में, तो पुस्तकों में हमने क्या पढ़ा? मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर ली, जैसे कोई अंतरिक्ष दुश्मन था जिस पर विजय प्राप्त करनी थी। इसी भाव ने इस पूरे दुनिया के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं। परंतु यदि गीता से आप प्रेरणा लेंगे तो आपको बहुत साफ समझ में आएगा, वक्त भाव से चलेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आएगा। अब यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संपूर्ण देश को और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए जिस प्रकार की सूक्ष्म बातें गीता में, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया, दो प्रकार की चीजें, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो है जो सीधे ईश्वर के मुख से निकली, जैसे वेदों को श्रुति कहा गया, और स्मृति वो है जिसमें उसका संकलन हुआ और व्याख्यान हुआ, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, पाराचार्य स्मृति इत्यादि। परंतु गीता एक मामले में अद्भुत है, इसलिए कि जैसा स्वामी जी ने कहा कि 700 श्लोक है उसमें, और उसमें सीधे ईश्वर के मुंह से भी निकल रहा है, यानी श्रुति भी है, और 700 श्लोकों में कर्म की व्याख्या भी है, यानी स्मृति भी। तो श्रुति और स्मृति दोनों का समन्वय यदि हमें देखने को मिलता है तो गीता में देखने को मिलता है। और यहां पर एक बिंदु और ध्यान देने योग है कि भगवान कृष्ण ही निष्काम कर्म का सिद्धांत क्यों देते। भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया, पहले तो मैं एक विषय पर अपना विचार रखना चाहूंगा। जैसे स्वामी जी ने कहा कि भाई अगर कर्म करो और फल की इच्छा ना करो तो फिर कर्म ही क्यों करो। परंतु ये जानते क्यों आता है? जब आपकी छोटी सूक्ष्म दृष्टि होती, हल्की दृष्टि होती, तो आपको लगता है कि कर्म करने से मुझे कुछ प्राप्त हो। जब विराट दृष्टि होती है तो निष्काम कर्म का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं, हम अपने शरीर को एक यूनिट मानते हैं, और इससे माइक्रो लेवल पे बढ़े या फिर मैक्रो लेवल पे बढ़े? माइक्रो लेवल पे आए तो हमारा शरीर भिन्न भिन्न तंत्र से मिलकर बना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी इच्छा से चल रहा है क्या? अपने सिस्टम से चल रहा है? हमारे शरीर के जितने तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से बने, हार्ट, लिवर, किडनी, हमारी इच्छा से चल रहे हैं क्या? अपने नियम से चल रहे हैं? उसके अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो हमारे सिस्टम से, हमारी इच्छा से चल रहे हैं? नहीं। उसके अंदर सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शन, उसके अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर, और एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और उसके तरफ चारों तरफ घूमते प्रोटॉन, इसमें से कौन हमारी इच्छा से चल रहा है? हमारी इच्छा से तो नहीं चल रहा है। अब आइए आप विराट को, हम खड़े हैं धरती पे, खड़े हैं धरती का इकोलॉजिकल सिस्टम, हमारी इच्छा से चल रहा है। धरती अपनी एक्सिस से घूम रही है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य गैलेक्सी मिल्की वे उसके सेंटर में घूम रहा है, बिग बैंग तक आप मल्टी यूनिवर्स से चले जाइए, हमारी इच्छा से है क्या? नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब संपूर्ण सृष्टि के क्रम में हमारा नियंत्रण परिणाम पर नहीं है, हमारा नियंत्रण केवल कर्तव्य पर, इसलिए जिस भी स्थान पर जो भी भूमिका ईश्वर ने दी है, यदि आप उस विराट सत्य को समझ पाएंगे तो आपके मन में स्वतः निष्काम कर्म का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, बाकी इस विराट सत्य क्रम को चलाने वाला ईश्वर स्वतः हमें उसका उपयुक्त फल देगा। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इसलिए उन्होंने कहा तुम निमित्त मात्र बन जाओ, जो होना है वो कर्मों के अनुसार होना है, तुम्हें केवल कर्तव्य करना है।
और जब निष्काम कर्म की बात कही तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कर्म का फल नहीं मिलना है, कर्म का फल मिलना है पर वो एक बड़े वास्ट सिस्टम के थ्रू मिलना है। इसलिए आप जितनी कंसंट्रेशन के साथ अपना कर्म करेंगे वास्ट सिस्टम के अंदर उसका रिजल्ट देने का जो व्यवस्था है वो स्वयं इस जन्म में मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा। कोई किसी का कार्य व्यर्थ नहीं जाता। जैसे आज आप सब कोई कहे अरे अगला पिछला जन्म किसने देखा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आप जो आज खाना खाते हैं वो बोन मैरो में कितने दिन में पहुंचता है? 40 दिन। जो 40 दिन पहले आपने खाया था वो आज आपकी बोन मैरो में आपको तो पता नहीं 40 दिन पहले आपने क्या खाया था, और आज जो खा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं खाने वाला है, वो 40 दिन के बाद भी आपका साथ देगा। तो आपने जो सैकड़ों दिनों में जो कुछ खाया पिया वो आपके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भले ही ना पता हो कि 40 दिन पहले और 100 दिन पहले आपने क्या खाया है, पर वो आपके शरीर में है गुड एलिमेंट के रूप में भी इंफेक्शन के रूप में भी। तो आपको भले ही ना ध्यान हो कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, परंतु वो आपके साथ है। इसलिए कहा गया है कि हम इस विषय के ऊपर और निष्काम कर्म का भाव कैसे प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण की आप बाल लीला देखें, उन्हें सबसे प्रिय क्या है? मक्खन। और मक्खन कैसे खाते हैं? हंडिया में से निकाल के, और हंडिया में से निकालते नहीं, हंडिया तोड़ के खाते, और हांडी भी उनकी मिट्टी की है, धातु की नहीं है। ऐसा क्यों है? और भगवान कृष्ण का नाम ही क्या है? कृष्ण अर्थात वो काले। पहली तो ये बात बड़ी अजीब है, पता नहीं कहां से लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि ये गोरा रंग जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है, जबकि हमारे जितने भी भगवान हैं वो काले हैं, नीले हैं या सांवले हैं। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, यहां तक कि रामचरितमानस में भी जब सीता माता स्वयंवर से पहले जाती हैं देवी की आराधना करने, तो रामचरितमानस में क्या लिखा है? देवी जी उनको क्या वर देती है? मन जाहि राचहि मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवर। गोरो तो नहीं बोला ना। अब पता नहीं कैसे जिन लोगों ने ये घोड़ा बनाने की वो क्रीमें निकाल दी है ना, उन्होंने हमारे दिमाग में ये बन दिया। अब देखिए भगवान कृष्ण काले हैं, इसका आप जानते क्या? मक्खन उनको क्यों पी? भगवान कृष्ण हमारे मन की उस अवस्था के प्रतीक है, जब आप ध्यान लगाइए तो आपकी आंखों के सामने काला ही होता है। वो कृष्ण वर्ण जो है वो उस गहरे ध्यान की अवस्था जिसका स्वामी जी वर्णन कर रहे थे मेडिटेशन क्यों आवश्यक, उसका प्रतीक। तो जब आपका मन जो है वो दूध की तरह है और संसार पानी की तरह है, दूध और पानी मिला देंगे सारा दूध पानी में मिलकर व्यर्थ हो जाएगा, परंतु यदि उस दूध को स्थिर कर दिया, मन को स्थिर किया, तो दूध स्थिर होने क्या बनता? दही। और जब स्थिर होने के बाद उसका मंथन किया, दही को मथा, तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। तो जब प्रवृत्तियों को अपने अंदर स्थिर करके, मन को स्थिर चित्त करके, प्रवृत्तियों का उन्नयन करके मंथन करते हैं, तो आपका मन उस अवस्था में आ जाता है जो नवनीत है, मक्खन है। अब मक्खन को पानी में डाल दीजिए, डिजॉल्व नहीं होता है। यानी अब आप मन की उस अवस्था में जाकर कर्म करिए तो निष्काम कर्म आप कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को, और मैंने आपसे कहा वो हड्डिया मिट्टी की क्यों है? क्योंकि वो मिट्टी शरीर का प्रतीक है। और हड्डिया तोड़ के क्यों मक्खन खाते हैं? ये जो जो स्वामी जी ने कहा ना, सब कुछ केवल इंद्रियों के सुखों में ही आप लगे रहते हैं, तो जब आप इस शरीर के सुख की काया के बंधन को तोड़ पाएंगे तब वो वाला मक्खन मिलेगा आपको। इसलिए भगवान कृष्ण और उनका जो ये उपदेश है ये पूरी तरीके से हमें यह स्पष्ट बताता है कि जीवन में किस प्रकार से हम निष्काम कर्म को समझ सकते हैं, अंतर से भी और विराट से भी। इसीलिए आप जितना अंदर जाते हैं, बिहारी जी का एक दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो जब आप ध्यान लगा के अंदर उतरते हैं तो पहले तो आपको दिखता है कि श्याम रंग दिखता है, और उसके बाद सारा का सारा जो उजाला है वो दिखने लगता है। और ऐसा नहीं, आप लोगों ने सुना होगा उनका एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा था, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। इसके ऊपर एक मुस्लिम कवि हुए जिन्होंने, शफक साहब, जिन्होंने ये लिखा है, मेरी अफकार दुनिया दूर कीजे राज के रानी, के जिनके साय के तन से हरे हो श्याम गंगा।
इतना ही नहीं है, भगवान कृष्ण की भक्ति में वो क्षमता कि कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवियों में से एक क्या माने जाते हैं, रसखान, सैयद इब्राहिम रसखान। माना जाता है उनका जन्म काबुल में हुआ था, समाधि वृंदावन में। और वो क्या कहते हैं आप सबको पता है कि उनका तो बड़ा प्रसिद्ध है ना कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, यानी मनुष्य के रूप में अगला जन्म पाओ तो गोकुल में ग्वाल वालों के बीच, जो पशु हो तो कहा बस नेरो चरो नित नंद की धेनु में जा रहे, पशु बनू तो नंद बाबा की गायों के, पाहन हो तो वह गिरी को जो धरो कर छत्र पर अंदर धारण, पत्थर बनू तो गोवर्धन पर्वत, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कुल कदम्ब की डारन, अगर पक्षी बनू तो कदम्ब के वृक्ष पर जाकर उस वृक्ष पर बैठू जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाया करते थे। मेरे विचार से अगर वो आज होते तो फतवा तो भी जारी हो सकता था कि साहब कैसे आपने अगले जन्म की बात कह दी, वो भी कृष्ण भक्त थे। और वैसे आजकल की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए हमारे देश की महान परंपरा क्या थी। आज तो एक मैंने बचपन में इसकी एक पैरोडी सुनी थी, आज तो हमारा समाज उस विकार की तरफ जा रहा है संस्कार को छोड़ के, कि आज के किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो क्या कहेगा कि मानुष हो तो वही कभी चोच बसू सिटी लंदन के किसी द्वारे, वो कहेगा मानुष हो तो वही कभी चोच बसू सिटी लंदन के किसी द्वारे, और जो पशु हो तो बनू गुड़ डाल चढ़ू नित कार पे पूछ निकाले। तो मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा था कि हमारे अंदर का जो भाव है वो कितना गहरा है। अभी स्वामी जी ने इस विषय का जिक्र किया कि हमसे टीवी डिबेट में पूछा गया कि पांच चीजें क्या हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उन पांच चीजों का स्रोत ये था कि पिछले 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अमृत काल में जा रहे हैं, तो पांच बातें उन्होंने कही थी कि अमृत काल में पांच हमारे लक्ष्य है। नंबर वन, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, नंबर वन की अर्थव्यवस्था बनानी है। दूसरा क्या था, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना। तीसरा यह है कि अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करना, और चौथा यह है कि सबके लिए सबको प्रयत्न करना है, और पांचवा यह है कि वो प्रयत्न जो है वो सामूहिक रूप से कर्तव्य करना है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो जो सांस्कृतिक गौरव और हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है, उसके लिए यह जरूरी है कि अगर हम गीता का पाठ करेंगे तो इसके अंदर वो सारे के सारे आधार मिल रहे हैं। क्यों, मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, अक्सर धर्म ग्रंथ में या किसी भी धर्म में दो प्रकार की चीजें आती हैं, या तो आपको संन्यास के बारे में बताएगा कि भगवान से अलग, भगवान की तरफ जाओ संसार से अलग, और या फिर सांसारिकता का नियम बताएगा। मगर सिर्फ गीता में भगवान कृष्ण ही वो उपदेश देते हैं जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, यानी संन्यस्त भाव के साथ संसार में रहकर कैसे काम किया जा सकता है। मेरे विचार से दुनिया में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और हम ये भी कह सकते हैं भगवान कृष्ण इसको अपने आचरण में भी करके दिखाते, यदि कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है तो हमारे भगवानों ने कर्म के सिद्धांत को अपने आचरण में भुला के दिखाया। भगवान राम जब सेतु बनाए जाते समुद्र के किनारे तो समुद्र ने रास्ता छोड़ा था क्या, नहीं छोड़ा, बल्कि प्रकट होकर कहता प्रभु ये तो आपकी दी हुई मर्यादा है, कैसे छोड़ सकते हैं, कहीं और छोड़ दिया था आपको पढ़ दिया जाता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर बाकी जो होगा समुद्र ने रास्ता छोड़ा था, हमारे यहां रास्ता नहीं छोड़ते। अब आइए भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को अगर आप देखें तो उनके प्राण कैसे छूटे, जो कहा जाता ना द्वारिका में बहेलिए ने छुप कर तीर मार दिया, वो तीर क्यों लगा था, वो तीर इसलिए लगा था कि गांधारी का श्राप लगा था जब दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। तो आप ये समझिए कि भगवान ने भी ये दिखाया कि कर्म का अच्छा प्रभाव हो या बुरा प्रभाव हो, भगवान भी उससे मुक्त नहीं है। ये हिंदू धर्म की महानता है। और इतना ही नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ, महाभारत का अंत कहां पे होता है, महाभारत का अंत कौरवों पर पांडवों की विजय से नहीं हो रहा है, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पे नहीं हो रहा है,
यादव वंश के नाश से नहीं हो रहा, भगवान कृष्ण के शरीर त्याग से हो रहा है। वो किसके द्वारा? गांधारी के श्राप से, यानी दैवीय शक्तियों पर, दैवीय शक्तियों की विजय आसुरी शक्तियों पर होके नहीं हो रहा है, ईश्वर के ईश्वरत्व पर, स्त्री के सतीत्व की विजय के साथ समाप्त हो रहा है। और इसके उपरांत भी यदि किसी के मन में कोई संशय हो तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस आ गया था क्या अर्जुन को? उसके बाद उसने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, मगर इससे लड़ेंगे कैसे, सब तो बड़े बड़े महारथी। तो भगवान कृष्ण को विराट रूप दिखाना पड़ा था, और भगवान कृष्ण ने विराट रूप 3 बार दिखाया। एक बार माता यशोदा को, जब उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख गया। अब वैसे उसको वो लोग कहानी मानते थे, उसमें मैं डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। ये 2022 का जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का 3 साइंटिस्टों को क्वांटम एंटेंगल के लिए, उसके जाकर थ्योरी आगे जाके यही हो रही है कि यू कैन एक्सपीरियंस यूनिवर्स एनी वेयर एट एनी पॉइंट, वो अलग विषय है। दूसरी बार दुर्योधन को दिखाया, जब दुर्योधन ने 5 कौरव कहा कि मैं 1 सूर्यमुख के बराबर नहीं दूंगा, और तीसरी बार उन्होंने अर्जुन को दिखाया। दुर्योधन नहीं समझ पाया कि ये भगवान है, अर्जुन समझ पाया। क्यों? अर्जुन उससे पहले गीता का उपदेश सुन चुके थे, तो वो आधार बनाती है कि जब भगवान आपको दिखे तो आप पहचान तो सके कि ये भगवान है। और इसीलिए उन्होंने जब उनको दिखाया तो क्या कहा? उन्होंने कहा देखो ये तय है कि अब तुम्हें ही राज करना है, ये सब भूमि पे पड़े होंगे, पलक झपकाइए झपकाऊंगा और यही तय है। तो उन्होंने अर्जुन ने कहा कि महाराज ये तय है तो फिर किस बात पर बात करना, आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन बैठाऊंगा और जमीन पे पड़े होंगे। तो भगवान कहते हैं तय तो है मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही, क्योंकि अगर बगैर कर्म के सिद्धांत के देना हो तो पत्थर को राजा क्यों ना बना दूं। तो इसलिए आप जो समझिए, मैं आपको सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश का भी, अब जैसा स्वामी जी ने कहा कि एक बदलाव आया है, एक विराट स्वरूप उभर रहा है, तो आप समझिए कि भारत का वक्त आ गया है। कैसे? मैं एक पंक्ति में बताता हूं। एक दौर था जब हम वर्ल्ड के पावर सेंटर थे, हम ही इंटेलेक्चुअल सेंटर थे, हम ही इकोनॉमिक सेंटर थे, हम ही मिलिट्री सेंटर थे 2500 साल पहले। जब भारत का डिक्लाइन हुआ आज से 2500-2600 साल पहले, तो पावर सेंटर वर्ल्ड का कहां शिफ्ट हुआ? आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका राइज हुआ? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का ईरान, और वेस्ट किस तरफ चला गया। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका दौर आया? टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। टर्किश का जब डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर की पहले कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, फिर आज का रोम हो गया, इन और वेस्ट की तरफ चला गया।